हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजू फूड। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नई रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं इडली के जैसा ही मिलता जुलता ये रेसिपी है आज का, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है और साथ ही साथ हेल्दी भी है। तो इसे आप नाश्ते के टाइम में बना सकते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है और ये सबको पसंद आता है। तो चलिए इस रेसिपी को पूरा देख लेते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे एक कटोरी सूजी, उसके बाद फिर हम ले लेंगे इसमें एक कटोरी दही, और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे पालक का साग, जिसको मैंने यहाँ पे अच्छे तरह से धो के बारीक काट लिया है। तो उसके बाद फिर हम इसमें को डाल देंगे। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, और उसके बाद फिर थोड़ा सा हरा मिर्च, और उसके बाद इसमें सबको डालने के बाद सभी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इन सभी को मिक्स करने के बाद फिर हमें इसे आधा घंटा के लिए रेस्ट पे रख छोड़ना है, ताकि सूजी अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ देखिए, आधा घंटा के बाद फिर जब हमने देखा यह बहुत अच्छे से सूजी बहुत अच्छे से फूल चुका है, तब ये हमारा बिल्कुल रेडी है। तो बस इसमें लास्ट में हमें बस इसमें ऐड करना है खाने वाला सोडा। तो सोडा डालने के बाद फिर हम इसे थोड़े से मिक्स करेंगे। ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अब बारी है इसे कटोरी में डालने की। तो यहाँ पे मैंने कटोरी का यूज़ किया, या तो इसके जगह आप इडली के बर्तन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कटोरी में ऑयल लगाया है, उसके बाद फिर हम इसमें बैटर डालेंगे। इस नाश्ते को आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे मैंने इसमें सिर्फ साग डाला है, तो इसके जगह आप बहुत सारे वेजिटेबल साग बहुत सारे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है और ये हेल्दी भी हो जाएगा अगर आप इसमें और भी ज़्यादा डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी कटोरी में बैटर को डाल दिया है। तो अब बारी है इसे स्टीम करने की। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई में पानी डाल दिया है। उसके बाद फिर आप इसमें कोई स्टैंड ले, स्टैंड को लगा दे, उसके बाद फिर आप इस कटोरी को इसमें सेट कर दे इस तरीके से, उसके बाद फिर इसको ढककर छोड़ दें 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। 20 मिनट के बाद फिर जब हम इसको चेक करते हैं, इसमें आप चक्कू डाल के चेक कर लें, अगर चक्कू अगर क्लीन निकल रहा तो मतलब ये बहुत अच्छे से रेडी है। तो बस यहाँ पे देखिए हमारा चक्कू बहुत क्लीन निकला, तो ये हमारा अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो अब हम लोग गैस को कर देंगे बंद, और इसे हम कटोरी को निकाल लेंगे। कटोरी को निकालने के बाद फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बहुत अच्छे से निकलता है। अगर इसे हम गर्म गर्म में ही निकालेंगे तो ये अच्छे से नहीं निकलता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, तो उसके बाद निकाला है, तो ये देखिए बहुत ही अच्छा से बहुत ही क्लीन से निकल रहा है ये। तो इसी तरीके से हमें सभी को निकाल लेना है। सभी को निकालने के बाद अब बारी आती है इसे इसमें तड़का लगाने की। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने चढ़ा लिया कढ़ाई, उसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों ब्लैक वाला, उसके बाद फिर डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, उसके बाद थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी, उसके बाद फिर इसमें हम सभी पीसेस को इसमें एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। इसमें हमें उसको ज़्यादा देर तक लिए फ्राई नहीं करना है, क्योंकि वो पहले से स्टीम किया हुआ है। तो बस इसे हमें 1-2 मिनट के लिए इसमें इसको फ्राई करना है। एक बार इसे इस साइड का फ्राई कर लेना, उसके बाद दूसरे तरफ पलट के इसको फ्राई करना है। तो 2-3 मिनट के बाद फिर हम गैस को कर देंगे बंद। जब दोनों तब अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आप इसे सर्व करें बादाम की चटनी के साथ, या फिर सॉस के साथ भी इसे आप दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, साथ ही साथ टेस्टी के साथ ये हेल्दी भी है। तो आपके घरों में ज़रूर सभी को पसंद आएगा। तो आप अपने घरों में बनाएँ, खाएँ, और हमें कमेंट करके बताएँ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे देखिए इसको काट के दिखाते हैं, बहुत ही अंदर से सॉफ्ट बना है, फूला फूला सा बना है। तो इसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी है। तो आप लोग अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।